हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम अरे के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, अरे हमारी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने की काम आती है। और फॉर एग्जांपल, 100 बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है आपको कहीं पे, तो हमको 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। और इतने वेरिएबल क्रिएट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए हम अरे का यूज करते हैं। एक अरे और सिमिलर डाटा टाइप की वैल्यू का कलेक्शन होता है। और जैसे कि अरे अरे में किसी भी टाइप का डाटा टाइप बना सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट या एनी टाइप का। अरे सभी वैल्यू को इंडेक्स के द्वारा स्टोर करता है, और अरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। और जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले एक इंटीजर क्रिएट करेंगे, वेवुल, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और उसके बाद इसको अगर हमें अरे में, इस वेरिएबल को अरे में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब ये वेरिएबल अरे में कन्वर्ट हो गया है। अब उसके बाद इक्वल टू, अब जो अरे की जो मेमोरी लोकेशन होती है, वो यहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर कुछ भी देते हैं वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 20। इस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। 30, 50, और उसके बाद कुछ भी आप वैल्यू दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसको प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और उसके बाद यहाँ पर हम वेवुल, जो यहाँ पर अरे डिक्लेयर किया है उसका। और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमें अगर यहाँ से कोई भी वैल्यू उठानी है, तो उसके लिए हमको इसकी लोकेशन का यहाँ पर लोकेशन देनी पड़ेगी इस स्क्वायर ब्रिगेड के अंदर। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अरे 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम देंगे 1 और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो आप देख रहे हैं 1 तो 20 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 30 हुआ। तो अभी मैंने बताया था कि अरे 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 और 1, तो 1 पे 30 है, इसलिए 30 प्रिंट हुआ। अब अगर हम 0 यहाँ पर करते हैं, 0, तो जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, आप देख रहे हैं 0 पे 20, मेमोरी लोकेशन जो 20 है 0 पे, तो यहाँ पर 20। अगर हमें ये सभी जो इसकी वैल्यू है अरे की प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर का लूप चलाएंगे। एक दूसरा प्रोसेस है, ये भी देखते हैं। यहाँ पर इंटीजर क्रिएट करेंगे ए, और उसके बाद इसकी कुछ भी वैल्यू दे देंगे, फॉर एग्जांपल 0। और उसके बाद यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू। अब उसके बाद हमें जो यहाँ पर इंटीजर जो अरे बनाई थी उसका नेम देंगे यहाँ पर, वेवुल। और उसके बाद डॉट लेंथ लेंथ, और उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन, और फिर उसके बाद ए, और यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल नेम दे देंगे, जो अरे नेम है, सॉरी, अरे वेवुल। और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर इस इंटीजर का नेम देंगे ए। और उसके बाद प्रोग्राम को रन करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज थी अरे की, वो एक बार में प्रिंट हो गई। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है अरे का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।